वेलकम टू द चैनल गाइस। तो कैसे हो आप लोग, आयो बढ़िया होंगे। बढ़िया कमेंट में जरूर बताना गाइस। कल गया था मैं स्कूल पेपर देने और पेपर खत्म हो गए इसके, तो पेपर खत्म होंगे मेरे, एक बचा है। तो कल पेपर दिया और आज आ गए खेत में और आज हम संतरे पर कुछ बनाने वाले आले, जिससे पानी उनको मिले। तो ताकि भाई लोग आप देख रहे हो, ये है हमारा गोबर खाद जो कि बहुत ही लाभदायक होता है अपने खेतों में डालने के लिए, और इससे फसल वगैरह जो भी हैं बहुत अच्छे होते हैं। आपके घर में होता है कि ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको हम पेड़ों में डालेंगे जिससे कि बड़े बड़े संतरे हो, ठीक है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक भाई, कि आप क्या कहना चाहोगे? अब आप तो अभी मौसम भी छिल रहे हो। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ खाद डालेंगे, आफा बनाएंगे, इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा, शुद्ध रहेगा और फसल अच्छा आएगा इस बार। तो चलिए काम करते, फिर चालू करते हैं। चलो किधर गए थी फावड़ा? और गाइस मैंने पिछली बार यहाँ पर छुपा करके रखा था गैची, यहाँ से निकाल लेते हम गैची को। भाई लोग देखिए, महुआ आ गया इधर हमारे खेत में, झाड़ में अच्छे से महुआ मिलेंगे आज से। और अब काम चालू करना है हमको, यहाँ ईटा भी बनाना है, कल परसों से अभी चालू करना है सब। महुए देख लो अच्छे से, महुए आ रहा है इधर आपका शहर में है कि नहीं, महुआ हमको बताइए कमेंट इधर 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 कमेंट करके बताइए आपके शहर में, गांव में महुए मिलते हैं कि नहीं मिलते? हमारे गांव में सब मिलते महुए की भी सब। चलो तो ठीक है भाई लोग, मेरे पीछे देख सकते हो कंधे में यहाँ गैची लगा लिया हूँ मैंने, और शुरुआत करते इधर भाई लोग, हमारा छोटा सा कुआ बावड़ी ये है, और कुछ इस तरह से यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ ज़्यादा कैमरा नहीं जाते ना, तो मोबाइल गिर जाएगा तो फिर आफत। यहाँ छोटा बड़ा मिल गया है, छोटा सा मेरे को दे रहा है, बड़ा हुआ रख रहा है। भाई लोग अब यहाँ आपा बना रहे हैं। हाँ भाई लोग देख सकते हो आप, इस तरह से यहाँ पर पौधा जाता है। तो भाई लोग बहुत ज़्यादा पंचायत हो गए, चलो यहाँ पर अब मैं भी काम शुरू करता हूँ। मेरे हाथ में गैची है और चलिए इस वाले से स्टार्ट करते, इस वाले पेड़ से बहुत ज़्यादा घास वगैरह है तो उसे हटा लेते हैं पहले। तो वीडियो में बने रहिए, हम लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। लोग देख सकते हो आप, इस तरह के घास निकलते आपके के आसपास, ऐसे घास हो जाता है, अगर इसको कुरपाया जाए तो यहाँ घास भी नहीं होते। तो हम लोग इसे पहले हटा देते हैं। यार मेरे कैमरा में वाइड एंगल नहीं है, इसलिए बहुत नज़दीक से बताता है, लेकिन मैनेज कर लीजिए आप। कुछ यहाँ से ऐसा हटा दूँगा मैं घास को। देखिए गाइस ऐसा बना रहा है मामा जी आपा, देखिए यहाँ काट डालेंगे अब बना के हम, देखिए ऐसा बनाया जाता है आपा, देख ही सकते हो आप ऐसा बनाते हैं मेरे मामा जी, ये देखो। लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर खोदा जाता है, जैसे कि देख लो ये अपना पेड़ है, ठीक है, संतरे का, ये अभी छोटा बेबी पेड़ है, ये छोटा पेड़ है, तो इसके आसपास देखिए किस टाइप से यहाँ खुदाई किया गया है, बहुत अंदर तो खुदाई किया गया है, देख लीजिए आप इस तरह से मट्टी निकाला गया है, और ये मट्टी निकाल के इसको आसपास मतलब कि ऐसे लगा देंगे, जैसे बांध बनाते हैं ना उस टाइप से कर देंगे, जिससे कि यहाँ पानी थमा रहे, और अंदर गड्ढा रखेंगे, यहाँ कुछ गड्ढा रखेंगे, ये देख लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा मट्टी जमा हुआ था, इसलिए यहाँ पर जड़ निकल आए थे, बट ये जड़ अभी कोई काम की नहीं है, क्योंकि हम इसे और गहरा करेंगे ताकि यहाँ पानी रुक सके। इससे पहले भी बनाए थे लेकिन वो बहुत छोटे गड्ढे बनाए थे, तो इस बार हम सोच रहे कि कुछ अलग करें। तो ये मैं बता दूँ दोस्तों, ये देख लीजिए ये कांटे वाले, ठीक है, ये कांटे दिख रहे होंगे शायद से आपको कैमरा में, कांटे दिख रहे हैं ये कांटे, तो मैं बता दूँ ये संतरे नहीं है, एक्चुअली ये संतरा नहीं है, ठीक है, ये संतरे की प्रजाति है, लेकिन ये नींबू बन चुका है, जिसे हम कहते हैं टर्रा नींबू, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ देख सकते हो आप, ये बहुत ज़्यादा
चुभता है, अगर किसी को घर जाना तो हाथ एकदम से सूज जाता है भाई। तो कुछ इस टाइप का ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, जबकि इनके टाइम पे लगाए थे हमने, इनके टाइम में इनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती है और इसकी ग्रोथ देखिए, इसे आप बौना कह सकते हो, अगर मैं सही हूँ तो बौना पौधा कह सकते हो। ये संतरे की प्रजाति है, लेकिन इसमें संतरा तो आता है लेकिन वो नींबू जैसा होता है, बहुत खट्टा होता है और बड़े बड़े होते हैं। तो इस टाइप से हम काम करते हैं। और अभी अभिषेक भाई उधर कर रहे हैं काम, देख लीजिए आप, इतना काम निपटा दिया हमने यार, बहुत मेहनत लगती है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल कितने आए हैं मैंगोस की ट्री में, लेकिन अभी जो इस टाइप के फूल हैं देख लो आप, अगर पानी नहीं गिरता तो इस टाइप के रहते हैं, और पानी गिर जाता है तो इस टाइप हो जाते हैं। देखो पूरे फूल जड़ गए, यहाँ फल लगने के कोई चांस नहीं है, फूल तो आए लेकिन फल नहीं लगेंगे। वैसे आपको पता नहीं होगा लेकिन जब संतरे का वो करते हैं, मतलब ऐसे आप ही बनाते तो इस टाइप से जड़ निकलते हैं, ये देख लीजिए आप, इनके जड़ ज़्यादा नीचे नहीं होते भाई, इनके जड़ जो है ऊपर ऊपर रह जाते हैं, इसी कारण से जड़ निकल जाते हैं। कोई कोई संतरे होते हैं जैसे कि ये वाला देख लो, इसमें जड़ अंदर गया है, वो वाले में भी अंदर गया, उसमें भी अंदर गया, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जिसमें ऊपर की ओर जड़ रहता है। लोग हम लोग यार आज का काम जो है फिनिश कर चुके हैं, और देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा शाम हो गया है, देख लीजिए आप समथिंग 6 बजने वाला है। और गाइज हमारा काम देखिए, आज हमने दो जने इतने निपटा दिए, ठीक है, ये पूरा बना दिया, यहाँ पर पानी का सुविधा, अब जाके यहाँ पर अच्छे पानी थम पाएगी और पेड़ों को जो है अच्छा पानी मिल पाएगा। तो गाइज यहाँ देख सकते हो इतने बड़े बड़े, उधर साइड में अच्छे बने क्योंकि उधर ज़मीन अच्छा था। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर आपके यहाँ समथल ज़मीन होगी ना तो आप इसको चेकआउट कीजिएगा इस फसल को। तो यार देख सकते हो आप, हमने बड़ी सफाई के साथ यहाँ पर काम को फिनिश कर दिया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।